कैंपस को भी अपने बाप की छीनी भी प्रॉपर्टी समझ रखा है क्या? बाप पे मत जाना। बिल्कुल जाऊंगा बाप पे, बल्कि नारे भी लगाऊंगा, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे शज्जी है। अपडेट फ्लॉप नारे अपने पास रखो। आप लोगों को कॉलेज के रूल्स वायलेट करने पर एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। अगर अम्मा को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। फांसी घाट बना देना घर को, फांसी चढ़ा दीजिएगा वन बाय वन। आपको पता है पिछले 4 घंटे से गायब है और कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। क्या मतलब, कहाँ गई भी अम्मा? वही तो पूछने आया हूँ। क्या करता, शर्जी जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, वापसी में मैं समझा तू चली गई होगी। शर्जी भाई के घर के अलावा और कहीं वो जा ही नहीं सकते। पापा वो नहीं थी उनके घर। ध्यान से देखा आगे पीछे? उससे पहले ताया अजूर गोली मार देते मुझे, वैसे मुझे देख के तब जाते हैं। क्यों, अंधेर नगरी चौपट राजा सिंह तो नहीं चल रहा? लेकिन माँ जी को सूझी क्या? मुझे तो लगता है कल रात वाली बात का बदला लिया उन्होंने। क्यों, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी? मैं बता रही हूँ तन्नो भाभी का ये नया पिट स्यापा है। जो पैदा हो गए घर पे भी नहीं है वो। बिट्टो तू जा बच बचा के तन्नो भाभी के, जा चेकआउट कर। मैं नहीं तो क्या, मैं गई तो वहाँ शुरलियाँ पटाखे तोपे निकल आएंगी। ठहर जाए आप दोनों, मैं एक बार ज़किया खाला की तरफ जाकर चेक कर लूँ। हाँ हाँ, मुझे भी परसों कह रही थी कि उनके बेटे की मुबारकी देने जाना है, वहीं गई होंगी। ऐसी कौन सी मुबारकी है जो 5 घंटे में खत्म होने का नाम नहीं ले रही? मैं जाकर देखता हूँ ना। मैं भी शर्जी भाई की तरफ जाकर देखती हूँ। बस सुन, जहाँ बस गुजरता जा रहा है। यही तो मैं भी समझा रही हूँ, हम तो चराग सहरी हैं, ना जाने किस वक्त बुझ जाए। इसीलिए कहती हूँ सिर्फ अपने लिए सोचें, बच्चों को रहने दें उनके अपने हाल पर। जहाँ 5 साल निकाल दिए, थोड़ा वक्त और गुजार दो। इसी उम्मीद पर तो जिंदा है हम। खैर छोड़ें, देर हो गई है, निकलते हैं अपने अपने घरों को। मंजिल तो एक थी हमारी, कमबख्त बच्चों ने हमारे रास्ते अलहदा अलहदा कर दिए। रास्ते भी तो इसीलिए अलग किए थे ना कि शायद दोनों बेटों के दिलों का मैल साफ करते हैं हम। भाई कैसे साफ होंगे, कास्टिक सोडा की पूरी फैक्ट्री डाल चुके हैं हम, दिल है कि साफ होने का नाम नहीं ले रहे। आओ चलो चलो। ये काहे के लिए, हमारे लिए? अरे वाह, आओ आओ, ऐसे चलेंगे ना मुगले आदम। आगे अलग अलग रास्ते। तुमने उन्हें जाने ही क्यों दिया भाई? बाबा वो सिर्फ 10 मिनट का कहकर गए थे। पता नहीं क्या टोपी ड्रामा लगा के रखा हुआ दोनों मियां बीवी ने। मुझे तो लगता है बीअम्मा की तलाश में गए। अरे अभी कहाँ जाना उन्होंने, यहीं कहीं होंगी। सलीका के तो पूरे खानदान को ना ऐसी पैड़ी और गंदी बीमारी है राई का पहाड़ बनाने की। सलाम अलैकुम भाई। उल्लो कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, तुम्हें याद आ गई बड़े भाई की। भाई तो अब सिर्फ इसका एक ही है, वो मुन्ना जिसको सबने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। भाभी ऐसी भी कोई बात नहीं है, वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या करना है मुर्दों को उखाड़ के, नवा कब्रिस्तान खोलना है? बिट्टू आपको पता चला भी अम्मा का? नहीं, असफी गया ज़किया खाला के घर पता करने, कहीं वहां ना गई हो। फेरे टोरे की तो वैसे ही बड़ी आदत है सासू माँ को, किधर भी मुंह चुक के निकल जाती है। मैं भी देखूं जरा बड़े अब्बा को, अभी तक आए नहीं वापस। अब्बा कहाँ गए? अरे भाई जाना कहाँ है उन्होंने, शराई साहब की तरफ गए होंगे शतरंज खेलने के लिए। जाओ मानो देख क्या। अरे तुम आ गए हो ना तो अब चाय पी के जाना, वरना हमारा हुक्का पानी इस घर में बंद हो जाएगा। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई ज़किया खाला के मियाँ का नंबर है आपके पास, तो फोन करके पूछ लें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अम्मा की। अच्छा अभी तुम कहती हो तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरा फोन कहाँ है? ये तो नहीं। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारी भाभी का है, मेरा ख्याल है मेरा फोन अंदर है, देख के आता हूँ। सच सच बता दो, कहाँ छुपाया हुआ तुम लोगों ने भी अम्मा को? रूटीन में स्टूपिड होना तो किसी किसी के नसीब में होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम इस क्वालिटी से माला माल हो। यार कुछ पता है तो बता दो। तुम्हें भी अगर अब्बा मियाँ के बारे में कुछ पता है तो वो भी बता दो। क्या मतलब? क्योंकि वो भी 1 घंटे से गायब है। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। खैर इतनी भी अच्छी नहीं हो तुम जो बता देती। क्या प्रॉब्लम, मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? बंदा ऐसी बात करने से पहले अगर एक बार आईना देख लेना तो आई स्वेयर इतनी बड़ी बोंगी ना मारे। शट अप, यू शट अप। हेलो, खामोश तो ऐसे हो गए जैसे 5 साल नहीं 5 सदियां बीत गई हो। तुम्हारी ये खामोशी किसी दिन मेरी जान ले लेगी। लो भाई उनका तो नंबर ही ऑफ आ रहा है। अच्छा दोबारा ट्राई कर। अरे सामने देखो देसी रोमियो एंड जूलियट को, हमें ख्वार करके खुद मजे से आ रहे हैं। अरे ये अम्मा कहाँ थी आप, पूरा घर परेशान है। हाँ हाँ, तभी तो तुम इतने आराम से टहल रहे थे ना यहाँ पर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप ही की तलाश में निकला था। अब अम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारी दादी की तलाश में आए हम,
नजर नहीं आ रहा तुम्हें, होगी तसल्ली तुम्हारी? चलो अब चलो आ जा। बाबा ने पूरे घर को सूली पे लटकाया है। हाँ हाँ, खबरों में आ रहा था, मैंने सुन लिया था कि कब से तुम सूली पे लटके हुए, इसीलिए तो जा रही हूँ अब मैं घर। बड़े अफसोस की बात है, आपको मजाक सूझ रहा है। और मुझे ये बताओ, तुमने अपने अब्बा का हाल क्यों नहीं पूछा? सॉरी, ध्यान नहीं रहा आपको देखकर। तुम और तुम्हारा बाप दोनों एक जैसे, हमेशा मुझे शर्मिंदा ही करवाएंगे। चलो। अब्बा कहाँ चले गए थे आप? आलम में बाला में। क्यों कर रहे हैं ऐसी फजूल बातें अब्बा? तुम्हारे भाइयों ने कुछ ढंग का सोचने के लिए छोड़ा है हमारे लिए। आपको पता है अम्मा शाम से गायब है। हाजिर हो चुकी है, घर पे जाकर देख लें। वाकई मुन्ने के साथ रह रहे के ना तुम्हारा खून भी सफेद हो गया बिट्टो। एक दफा नहीं पूछा कि बाप की तबीयत कैसी है? अब्बा हो परेशानी में याद नहीं रहा, बताएं कैसे हैं आप? जिंदा हूँ, गिनी चुनी सांसें ले रहा हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें अब्बा मियां? जब ऐसी बेदी दौलाद मिलेगी तो बंदे के मुँह से ऐसे ही मोती झड़ेंगे ना। मैंने क्या किया है? मुन्ने और शज्जी के झगड़े में बंटवारा हुआ था माँ बाप का, तुमने तो फर्श कर लिया के ऊपर निकल गए दोनों। अम्मा खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा तो छोड़ो बस, तन्नो वन्नो की बात छोड़ो, घर जाओ, अम्मा परेशान होगी। और देखो कोई गलत थलत सवाल ना पूछ लेना उनसे, वैसे ही परेशान है। बिट्टू आप एक बात कहूँ? कोई तीर रह गया तो तुम भी चला लो। वो कुकू मामू का फोन आया था, आपको पूछ रहे थे, तभी मेरी आवाज सुन के सकता हो गया था उसे। है आपकी बात कब हुई? मुझे तो उसकी बस 5 साल पुरानी वो बात याद है, जब उसने कहा था कि बहन को नाराज करके कोई फैसला नहीं कर सकता मैं। तभी खुद से खफा हैं और जिंदगी से भी आज तक। अब अम्मा कहाँ थी आप? जहन्नम में। ओ शजी भाई के घर गई थी? अब ऐसा कुछ नहीं है बाबा, जकिया खाला की तरफ से लेकर आ रहा हूँ इन्हें। अच्छा अच्छा, मैं समझा यहाँ गई होंगी, इधर होंगी। हाँ, जैसे शजी को तो बहुत परवाह है ना अपनी माँ की, बेहिस औलाद है हमारी। सलामुलेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। चचा दो दफा पूछ चुके हैं कैसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहा। प्लीज यार भाभी कोई बहाना बना देना यार। बहाने से याद आया कि अभी अम्मा वाकई में रात को बिल्किस खाला की तरफ थी। मैंने तो रंगे हाथों पकड़ा था अब्बा मियाँ के साथ। आहिस्ता बोलो, अगर चचा ने सुन लिया ना तो चामत तुम्हारी आएगी। ये अच्छी मुसीबत है, उल्टा काम कोई और करे, गर्दन लेकिन मेरी नजर आती है सबको। ये तो है। ये शादी का कार्ड किसने रखा है मेरे ड्रेसिंग टेबल पर? इसको छोड़ो, ये देखो तुम, अगर ये तस्वीर तुम्हें पसंद आ जाती है ना तो तुम्हारी शादी का कार्ड भी इसी तरह से लोगों के घरों में पड़ा होगा। अम्मा 4 बाल नहीं है इसके सर पर। नहीं, मुझे तो बहुत शरीफ लग रहा है। ये शरीफ है तो मेरे कौन से इश्तेहार लगे हुए थानों में। अस्तगफुरुल्लाह, कभी तुम मुंह से अच्छी बात निकाला करो बिट्टो। अरे अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा, क्या हाल चाल आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र बेटा। और ये असफी कहाँ है? इधर ही था अभी। मगर मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों हुई है? वो हार्ट अटैक हो गया था ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। अरे मुझे तो असफी ने कहा था कि उसकी सास का इंतकाल हुआ था। क्यों असफी? हाँ वो इंतकाल के बाद ही तो आया हार्ट अटैक, सदमे से। बताना यार। जी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अल्लाह करे हमें भी ऐसा ही दामाद मिले। बिट्टो चलिए देखना एक दफा, फिर से देख गौर से। इसको भी हार्ट अटैक करवाना है क्या? मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगा। गौहर तू चल मेरे साथ आए। चलो देखना। बाय द वे, रात में क्या फिल्म चलाई थी आपने? अच्छा बोलो, किसी को बताया तो नहीं? नहीं, अभी मस्जिद जाकर ऐलान करवाऊंगा। मस्जिद में बाद में ऐलान कराना, जाओ हमारी ब्लड प्रेशर की दवाई लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। भाई यूनिवर्सिटी क्या बंद थी, तू सुबह सुबह यहाँ टपक पड़ी? जी वो हमारे हेड गए हुए ना छुट्टी पे 1 हफ्ते के लिए पेशावर। हाँ? ये तो कह रही थी कि उनको ससुर के इंतकाल हो गए। अरे तो वो ससुर पेशावर में ही थे ना, इसी तो गए वो वहाँ। बबली जरा तुम आओ मेरे साथ, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। पेशावर में ससुर? हमारी बिल्ली हमसे मियाओ। चबले, मैंने प्रोफेसर हमाद की बीवी को मरवाया और तू मुझे मरवाने आ गया सुबह सुबह घर। अच्छा, और जो तुम दोनों ने मुझे मरवाया और मेरी यतीम मिस्कीन कजन को, क्या बताऊंगा यार अम्मी को क्यों नहीं जा रही यूनिवर्सिटी। हाँ तो बता देता ना, मुंह काला करवा के आया यूनिवर्सिटी से। घटियापन उस असफी ने किया था, और माफीनामा मैं लिखूं हेड ऑफ डिपार्टमेंट को? किसी एक को तो लिखना होगा ना मानो, वरना बहुत नुकसान होगा हमारी स्टडीज का।
तो जाके बोलो जेम्स बॉन्ड को माफी मांगे जाकर। माफी मांगती है मेरी जूती ना, वो जंगली बिल्ली इतना थर्ड क्लास काम करती ना ही गुस्सा चढ़ता मुझे। यार तेरे और उस बिल्ली के चक्कर में ना हमारा प्रोजेक्ट लेजेंड है, क्यों नहीं समझते यार तुम इस बात को? हाँ तो जाकर समझा ना उस अफलातून की भांजी को। मैं तो समझ ही जाऊंगी, लेकिन लिख लो उस मोटी अकल वाले एसवी की समझ में नहीं आएगी ये बात। तुम समझ गई हो ना, बस हम चारों चलते हैं एसवी के घर और वहां जाके लिखते हैं पॉलिसी लेटर। अरे मुन्ने चाचा को पता चल गया ना तो अपनी जंगालू बंदूक से उड़ा देंगे मुझे। पागल वागल तो नहीं हो गया तू? साबुन स्लो है तेरा, सज्जीता है वैसे ही शेर की निगाह से देखते हैं मुझे, उन्हीं के घर टपक पड़ूं। अच्छा बंद कर ये बहस और चलो तुम दोनों मेरे घर चलो जरा। बताओ क्या लिखवाना है? गौहर इसे कहो के लिखे, I am writing this letter to accept my mistake and to apologize for being so unprofessional. What the hell? क्या मैं हवाओं से लड़ रही थी? अपना सारा गन तुमने मेरे सर पर डाल दिया है? अब तुम खुद को ही डस्टबिन फर्ज कर रही हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने कहा था ना ये इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ इंसानों की तरह बात की जाए। मानूर प्लीज यार काम कर ले पहले थोड़ा सा। परस्वी मेरे भाई थोड़ा कंट्रोल कर ले अपनी जुबान पर। सही तो लिखवा रहा हूँ, गलती की है तो एक्सेप्ट भी करे। मेरे अकेले की गलती है। मानूर छोड़ो इसे, मैं लिखवा रही हूँ लेटर। और असली प्लीज अब तुम चुप रहना, इंसानों वाला लिखवाना। वी आर राइटिंग दिस लेटर इन रिगार्ड टू द रीसेंट मिसबिहेवियर ऑफ मिस मानूर शुजा। ये व्हाट द हेल, ये लैपटॉप का मजाक नहीं है, देखा कितनी जोर से मारा है। शुक्र करो तुम्हारे मुंह पे नहीं मारा, वरना तुम्हारा ये सारा हदूद अरबा बिगड़ जाता। इसे कहो हद में रहे। मैं जा रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? लेटर तो कम्प्लीट हुआ नहीं अभी। जो बकवास लिखवानी अभी इसी से लिखवाओ, मैं इससे ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा हुआ चली गई, वैसे भी इसकी टूटी फूटी अंग्रेजी पढ़ के ना प्रोफेसर अहमद ने एक हफ्ता क्या हमेशा के लिए हमारी छुट्टी कर देनी थी। क्या हाल कर दिया मेरे बेचारे लैपटॉप का। ये देखो की भी टूट गई है। बेटा तेरे लैपटॉप का और तेरे गिटार का नसीब ना एक जैसा है, कभी सलामत नहीं रहता। ये पकड़ और इस पे काम कर। मनहूस इंसान, पहले नहीं दे सकता था उसे अपना लैपटॉप? पागल है, बहुत गुस्से में गई है, कहीं गाड़ी ना मार दे अपनी। अपना सर मार दे वो जाके किसी दीवार पे, जो बच्ची कुची अकल है ना वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। पढ़ ले। वैसे हद कर देते हो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो यार। लिख लिया ना लेटर? गौहर चुप करा अपनी इस फूफो की बेटी को। चल लेटर तो लिख लिया है, अब मुझे बता कि प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट करना है, या उसके लिए भी अपने मरहूम फूफा फूफी को लेकर आऊं मैं? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, मेरी मरहूम वालदैन को क्यों बीच में घसीट रहे हो? लो जी रंग चढ़ गया इस पे भी मानूष हो जाकर। चल इसका प्रिंट आउट करा के आ जा। ओके ये मेरे बाइक का लॉक तूने क्यों लगाया? मैंने थोड़ी लगाया है। ये देख। अरे ये तो मेरा लॉक भी लगा हुआ है, चाबी भी नहीं है इग्निशन पे, किसने किया ये? अबे हमें क्या पता, हम तो तेरे साथ अंदर से बाहर आए हैं। लो जी कर गई बार वो शैतानी शबनम, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। यार अब ये सोच कि ये लॉक खोलना किस तरह है। जल्दी से बताओ किसको ज्यादा प्यार है अपने चाचू से? मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे मुझे, मुझे। ओके 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 ओके
साबित करना पड़ेगा। कैसे? एक मिशन इम्पॉसिबल को ना पॉसिबल बनाना है। बताओ दोगे मेरा साथ? यस चाचू। चलो लेट्स मूव। कहाँ जा रही हैं फौजे? हम लोग मिशन पे तो नहीं जा रहे। अच्छा सच सच बताओ कहाँ लेके जा रहे हो इन दोनों को? प्यारी भाभी आकर बताते हैं ना। चलो चलो लेट्स गो। बाय बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। मिजाज पुरसी के लिए तो आप आए नहीं, मेरी चारपाई को जनाजे की कंधा देने आ जाना। अल्लाह ना करे अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? यार अल्लाह कभी ना कभी तो ऐसा करेगा ना, लेकिन ये दरख्वास्त है मेरी तुम दोनों से, ऐसा ना हो मेरा जनाजा वहाँ पड़ा रहे और तुम दोनों आपस में गिरेबान पकड़ के खड़े रहो। चले अब्बा। आराम से भी ना है ये किसने किया? अरे जिसने भी किया शुक्र करो उठा के नहीं लेके पाइए। अजीब जहालत है, लोगों को शर्म भी नहीं आती। यार शर्म बाद में आ जाएगी, तो इससे पहले कि कोई आ जाए ज्यादा नुकसान हो जाए इनको तुम फिट करो गाड़ी। और मैं कैसे लगाऊं? ये कि टायर किसने उतारे? आपने उतारे? वैसे तुम्हारी अकल बिना तुम्हारे मुन्ने चाचा की जरा बहुत मोटी है, मैं क्यों करूंगा भला फिर? अरे इस पे हम काबीना का इलाज बाद में बुला लेंगे, फिलहाल तुम टायर उठा के अंदर रखवाओ और किसी को बुलाओ और टायर फिट करवाओ। लेकिन ये किया किसने? तुम्हारे फरिश्तों ने किया है भाई, पूछ लेना उनसे। चलो भैया। अच्छा अब्बा एक बात बोल। हाँ वो तो लग रहा है इन्होंने किया। भाई जिसने भी किया है रहने दो यार, हमें क्या। जरूर ये खुटिया वार यहीं से हुआ है। चलो भाई। ओए छिछोरे ये गाड़ी के टायर किसने खोले? हमने और चाचू ने तो नहीं खोले। ये सब क्या हो रहा है एसपी? ये जो आपने 5 फुट 10 इंच का एब्नॉर्मल बच्चा एडॉप्ट करके रखा है ना, इसे थोड़ी तमीज सिखाएं। पहली बात तो ये कि मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ, और दूसरी बात जो ताले तुमने मेरी बाइक को लगाए थे ना वो अपने मुंह को लगा देती तो ये नौबत ही ना आती। मैंने तो कुछ नहीं किया था। अच्छा तो फिर यही समझ लो कि तुम्हारी गाड़ी के टायर भी खुद ब खुद ही नीचे गिर गए। देखो मानो अगर तुम इसे छेड़ोगी तो वो छेड़ के कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ना। एग्जैक्टली ये बात समझाया अपनी बहन को। मेरी कोई बहन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी भाभी है। ताल्लुक किस तरह से खत्म नहीं होते, हम डाल चुके मिट्टी सारे ताल्लुकात पर, जैसे आप अपने हिस्से की खाक हमारे सरों पर डाल रही हैं। इडियट। आपको पता है पूरे 2000 देकर बाइक उठवा कर लाया हूँ घर। अच्छा भाभी आप ऐसे खफा होंगी ना तो अल्लाह की कसम उस जंगली बिल्ली के जाके ना पैर पकड़ लूंगा माफी मांगने के लिए, बस सिर्फ आपके लिए। ये एहसान करने की ना जरूरत नहीं है, पर क्यों तंग करते हो तुम उसे? गुस्से में आके ना वो मेरा ही दिल दुखाती है। चलो। हेलो हेलो क्या हो गया, किससे बात कर रही हो? सुबह से अब्बा ने घंटियां बजा बजा के पागल किया हुआ है, कर लेना उनसे बात। नहीं अभी 5 मिनट पहले 1 घंटा बात हुई है मेरी उनसे, वो क्यों खामखा घंटियां बजाएंगे? नहीं फिर आ गया फोन। हेलो हेलो अरे भाई क्या कोई बहरे और गूंगे सेंटर से बात कर रहे हो तुम? अरे बोलो तो सही। हेलो बी अम्मा चची पूछ रही हैं कि बिट्टू आपा के ससुराल वालों को कब बुलाएं। लो मेरा ससुराल कहाँ से हो गया, बात अभी शुरू नहीं हो ससुराल का ठप्पा पहले से लगा दिया। अरे मियाँ कुछ तो बोलो। अम्मा रख देना, जो बोल नहीं सकता उसके साथ क्यों दिमाग खपा रही है अपना।
लो अब उसने ही रख दिया, टू 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 की आवाज आ रही है, हम भी रख देते हैं, ये लो। हाँ चलो मैं पूछती हूँ उससे कि क्या बात है। असफी एक काम तो करो यार। हुकुम। ये जरा फोन में सेल तो डलवाओ, सीएलआई तो पता चले कौन फोन कर रहा है। अरे आप सीएलआई को छोड़ें, आज वाकई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया कुकू मामू ने। देखा, खैर मुझे क्या करना है देख। लगता है माजी की कुछ घंटियां वहां भी बजना शुरू हो गई हैं। टन टन टन। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहरी हो गई हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। आपकी बात पे एक शेर याद आया, अर्ज किया, अगर उनके वादे ना होते कच्चे, अगर उनके वादे ना होते कच्चे, तो आज तुम्हारे भी होते दो बच्चे। ना पैसा लेते हो चाहेगा यार, कम से कम चाय तो कड़क बना लिया। गौहर खुदा की कसम कट। हाँ हाँ हुआ काम, क्या बना? कहा था ना उस मानूर की बच्ची को ना लेके जाना प्रोफेसर अहमद के पास, मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें। सेटिंग तो तूने वाकई फिट कर दी है यार, टैलेंट चेक किया तूने भाई का, दो मिनट में माफीनामे पर साइन करवा दिया मैंने। लेकिन अब खुदा के लिए मुंह पर टेप लगाकर जुबान को कंट्रोल कर ये प्रोजेक्ट निकलवा दो किसी तरह। कोई और हुक्म चाहा बना? नहीं बस इतना ही कर लो। क्या कहा प्रोफेसर अहमद ने? असफन यार मुनीर जाए और काम ना हो, ये हो नहीं सकता। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, ये प्रोजेक्ट की टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैमरा और कोई जरूरी इक्विपमेंट शामिल है। हाँ वैसे पर हेड कितना आ रहा है? यही कोई 25,000 रुपए। कब तक जमा कराओगे तुम दोनों? मैं तो कल करा दूँ। मैं भी कल ही कराऊंगा, फिर उससे भी पूछ लो। उसके मुंह की सुइयां क्यों बाना पे अटकी नहीं है? उसके फादर का लॉस हुआ है 1 करोड़ का। कौन सा पहली बार हुआ है? लेकिन इस बार घर गिरवी रखो अगर लोन लिया शुजा अंकल ने। पैसे मत मांगना, मैं और बबली अरेंज कर देंगे। तुम क्यों करोगे? दोस्त है यार वो हमारी। सुनो यार वो अकेले बैठे मैं जा रही हूँ उसके पास। आई दोस्त, सिग्नल तो बेटा कोई और ही दे रहा है तू। बड़ा गुड टावर लगा कर रखा है तूने अपने अंदर। अच्छा चल दो कॉफी तो मंगवा दे। मैं बोला तो है कल, कल पैसे अरेंज करेंगे। सस्ता ही रही तो सारी उम्र में, खुद ले आ। अच्छा समोसा भी लेके। वो मैं आपको बता दूंगा जो भी है, वो सिचुएशन सही ना? ठीक है खुदा हाफिज, बाय बाय। अरे ताई साहब सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अरे फराज साहब कैसे हैं आप, बड़े दिन बाद नजर आए। बस कुछ मसरूफियत इस तरह की थी। आप यहाँ मेरे ससुर के घर, खैरियत हो? अरे वो शुजा साहब आपके ससुर हैं? जी जी माशाल्लाह। उन्हें लोन चाहिए था, उसी सिलसिले में आया था घर के डॉक्यूमेंट्स देखने। लोन चाहिए था लेकिन क्यों? शायद कोई नुकसान हुआ है। ओह कभी आओ ना ऑफिस चक्कर लगाओ। हाँ मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। बात की आपने अब्बा से पैसों की? किधर के कट्ठा मट्टी तो सुहा मैं गई थी ना तेरे प्यो के पास, उदास बटेरे जैसा मुंह बना के बैठा था, मैं तो पुठे पैर वापस आ गई। रहने दे मैं अपना ब्रेसलेट सेल कर दूंगी। सुकून कर अभी, ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ गई, कर लेगा तेरा प्यो अरेंजमेंट। अम्मी मैं बाबा को मजीद परेशान नहीं करना चाहती। हाय ऐसी तो बाबा की सगी डाज लगी है, उसे तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तू फिक्र ना कर, तेरे पैसों के लिए ना मैं कुकू से बात करती हूँ। खुदा के लिए अम्मी, कुकू मामू ने हमारा ठेका नहीं ले रखा। इतनी कमाई करता है कहाँ जानी, चूल्हे में जानी उसकी कमाई। कलम कली मैं उसकी बहन हूँ, मेरे पे पैसे लगा देगा तो मौत नहीं पड़ेगी उसे। रहने दे, इसीलिए खानदान वाले कहते हैं कि आप उनके पैसों के चक्कर में उनका घर नहीं बसने दे रही। किसने कहा ये? सफिया आंटी के मिलाद पर जकिया खाला की नंद कह रही थी। हाँ तो वो तो कहेगी, वो तो है ठग औरत, पूरे मल्ले की कमेटियां खा के बैठी हुई है। जो भी अम्मी, आप कुकू मामू से नहीं बात करेंगी, मैं कर लूंगी कुछ ना कुछ अरेंज। भाई मैडम मैं कर लूंगी, तू प्राइम मिनिस्टर लगी हुई है, बैंकों में डाके डालेगी जाके या कोई लॉटरी निकलने का इंतजार कर रही है? अम्मी कर लूंगी कुछ ना कुछ भाई। अल्लाह कुकू के सारे पैसे मेरे ही हैं, बचपन में उसने मेरे पैसों की जितनी कुल्फियां खाई हैं कम से कम 1 करोड़ रुपया बनता है। रोटी दे प्यो। लोन ले रहे हैं ताया अब्बा, अपना घर गिरवी रखो आकर। चल कोई नई पटीक पड़ी होगी। 1 करोड़ की, कोहर बता रहा था। कोई माने ना माने, एक ना एक दिन ये सब ना थड़े पे आ जाएंगे।
लेकिन ये घर क्यों रख रहे हैं गिरवी? इसलिए माँ जी, क्योंकि बाकी सब तो खा पी के चट कर गए ना पायन शुजा, पीछे रह गया घर, अब वो भी जाएगा खू खाते में। अम्मी कभी कभी जब आप बोलती है ना, मुझे लगता है नीचे सबटाइटल होने चाहिए। बेटा जी वो तो बड़ा सबटाइटल है, इस वेले न्यूज ब्रेक करनी जरूरी सी, देखा नहीं बेचारे प्यो को गले च बुरकी अटक गई। अटकेगी तो सही, लाओ दुश्मनी सही, लेकिन खून का रिश्ता तो है ना। इसी खूनी रिश्ते ने नक्को नक कर दिया सी, मैं कभी नहीं भूलूंगी अपना मुश्किल टाइम। हाँ जो किया है उसका फल खा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मुनीर जी, आपको किसने बताया? बाहर बैंक मैनेजर मिला था। तुम्हें मानो ने कुछ नहीं बताया? मुझे क्यों बताएगी, मेरी कौन सी दोस्ती है उससे। अल्लाह पाक रहम करे मेरे बच्चे पर। अरे भाभी आपने खाना क्यों छोड़ दिया? वो मैं जरा बच्चों को देखती। अरे भाभी अस्पी नहीं, दिल कर रहा मेरा, क्यों जिद कर रहे हो? अरे दिल की ऐसी की तैसी, क्यों बिला बजाय इमोशनल हो रही हैं आप? सगे बाबा है मेरे, उनको परेशान देखकर मैं खुश नहीं हो सकती। कोई भी खुश नहीं हो रहा भाभी, और आपके इस तरह अपसेट होने से मामला रिजॉल्व थोड़ी हो जाएगा, इसलिए खाए ना। अरे भाई खाए ना इनको। अरे खा लो ना, वरना इसकी लो बजट इमोशनल मूवी शुरू हो जाएगी। बाकी सब तो ठीक है, ये लो बजट क्या है ना, इंसल्ट कर दी आपने मेरी फीलिंग्स की। खैर है, कौन सा पहली बार कर रहे हैं, मैनेज कर लूंगा मैं, आप खाए। तुम दोनों भी खिलाओ। अस्फी को तुमने बताया था शर्जी के नुकसान का? मैं क्यों बताऊंगी अब्बा मियाँ, वो लोग तो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। आपको किसने कहा? तबस्सुम से बात हुई थी सुराज। जरूर ये बबली की बच्ची ने अस्फी को बताया होगा, उसके पेट में तो वैसी कोई बात नहीं टिकती, पेट की हल्की औरत। तुम्हारी बी अम्मा बता रही थी, परेशान हो रहा था वो। बी अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी, मुन्ने चाचा अब इतने भी मुन्ने नहीं है कि अपने दुश्मनों की परेशानियों पर परेशान हो। तुम्हें कितनी दफा कहा फजूल बातें मत किया करो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कौन सा कीड़ा है जो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक ही तो कह रही हूँ, इतने सालों से यही तो देखती आ रही हूँ मैं अब्बा मियाँ। अच्छा छोड़ो, वो तुम्हारी मेज पे 25,000 रुपए रखे हैं, उठा लेना। अम्मी ने मांगे थे आपसे? कुकुर से कह रही थी, हमें अच्छा नहीं लगा भाई, आखिर जो कुछ हमारा है वो तुम लोग का ही तो है। थैंक यू अब्बा मियाँ। ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। इतना भी अच्छा नहीं बजा रहा। हमने कहा था ना तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है। चीपड़ा पूरा का पूरा झींगर। ए ओए बात सुने मेरी, ए यू, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बदतमीजी है ये? सुनाई नहीं देता, कान साफ क्या करो अपने। तुम सुनाओ, चलो पकड़ो ये। ये क्या? 25,000 मिल चुके हैं तुम्हारे पैसे। मेरे पैसे? नहीं मैं फारसी में बात कर रहा हूँ। हाँ तुम्हारे पैसे। किसने दिए? वो गौहर ने। तुम ये पैसे पकड़ो, गौहर को तो मैं पूछती हूँ। सॉरी बाजी, दरअसल सीन ये है ना कि मैंने वर्ल्ड बैंक नहीं खोला था कि दूसरों के फालतू पैसे संभालता फिरूं। हाँ चीट पड़ा, गौहर को तुम। तुमने मेरे पैसे दिए एसपी को? हैं? नहीं तो? वो तो यही कह रहा है कि तुमने दिए। बोला तो था लेकिन अभी तक दिए नहीं। तुम किस खुशी में दोगे मेरे पैसे? तरस खा रहे हो मुझ पर? हाँ या सदके और जकात के इतने पैसे जमा हो गए तुम्हारे पास इस बार? Come on यार, we are friends. इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। बात सुनो, दोस्ती में भी किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। क्या यार, कुछ किया भी नहीं और बेइज्जती होगी। पैसा फेंक, तमाशा देख, फिल्म देख ली है क्या? तमाशा तो तुम लगा रहे हो अपनी बाप की दौलत की नुमाइश करके। कौन? खामोश। मैंने कौन सी नुमाइश की है? झूठ बोल रहे थे तुम कि मेरे पैसे गौहर ने दिए। हाँ बोला है झूठ। तो वापस पकड़ोगे? अरे मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ।
किसने दिए? जिसने भी दिए हो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो दिमाग ही प्रॉब्लम लग रहा है तुम्हारा कोई। हाँ तो दिमाग खाना बंद कर दो ना मेरा। तुम भी अपने सखावत के झंडे कहीं और जाकर लगाओ, मुझे जरूरत नहीं हाथ इंदा की थर्ड क्लास कॉपी की। तुम्हें क्या लगता है मानुषा, मैंने दिए तुम्हारे ये पैसे? ये खुशफहमी वाला नशा कहाँ से मिलता है? मुझे कोई खुशफहमी नहीं, वापस पकड़ो ये। जाओ जाकर उनको वापस करो जिनका तुम जैसी बेहिस और सेल्फिश लड़की के साथ खून का रिश्ता है। कौन? निदा भाभी, उन्होंने दिए तुम्हारे पैसे। आ गए मेरे टॉम एंड जेरी। मामा बहुत भूख लग रही है। भाई का लंच तो मैंने खा लिया था। बुरी बात है चुटकी, अपना लंच क्यों नहीं खाया? वो तो मेरी फ्रेंड ईशा खा गई। किस खुशी में भिजवाई थी खैरात मुझे? खैरात कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो अस्वी ने बताया। क्या बताया अस्वी ने आपको? कि पापा को लॉस हुआ है, पाई पाई के मोहताज हो गए, खैरात और जकात ले लेके हम गुजारा कर रहे हैं, इसीलिए तर्स खा के भिजवाई थी रकम आपने। मानो मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को रह क्या गया है? आपको शर्म आनी चाहिए थी घटिया हरकत करते हुए, लेकिन इसमें भी आपको कसूर नहीं है। जिस खानदान की बहू है ना, उनका तो वतीरा है लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी नेक्स्ट टाइम ऐसी चीप हरकत मत करिएगा। ये ले, हाथ भी जोड़ दिया आपके आगे, अकेला छोड़ दे, हमें सुकून से जीने दे। कहते हैं चाचू, बहुत गंदी है मानो खाला। बुरी बात है, किसी के सामने कोई बात नहीं करनी। अच्छा मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। नहीं ऐसे नहीं कहते, चलो चलो। पागल वागल तो नहीं हो गई है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाभी, आप रोई हैं क्या? नहीं। मानो काला ने तो कुछ भी नहीं कहा मामा को। चुटकी खामोश, ये तो है ही बेवकूफ। कुछ नहीं, आई इंफेक्शन है बस, और कुछ नहीं। इस इन्फेक्शन का नाम तो पता चल गया है मुझे, अब खामोशी से मुझे असल बात बता दे वरना। वरना क्या? वरना मैं जाके ना आशियाना नूर की सारी बत्तियां बुझाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, पता है ना पहले कितने बदगुमान है वो हमसे। अरे उनकी बदगुमानी दूर करने का ठेका नहीं उठाया हमने। छोड़ो तुम, खाना खाओ, मैं प्लेट्स लेके आती हूं। आपको कसम है भाभी, एक निवाला भी हराम है जब तक आप मुझे असल बात नहीं बताएंगी। कुछ नहीं, बस मानो नाराज हो रही थी मुझसे कि मैंने पैसे क्यों दिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, उस बाप बेटी में झूठियां ना कूट कूट के भरी दिया, लेकिन आप मेरी बात मानती नहीं है। मैंने तो मोहब्बत में किया था ये सब कुछ। उसकी आंखों से नफरत किया है ना कुतरेगी तो वो कुछ देखेगी ना। छोड़ो तो, तुम हाथ मुंह धो के आओ, मैं प्लेट्स लेके आती हूं। मैं आता हूँ जरा हाथ साफ करके। अभी तो बाबा ने यूपीएस भी नहीं लगवाया। अरे यहाँ पे दिमाग की बत्तियां भुजी हुई है, तुझे यूपीएस की पाड़गी है मानो। अम्मी अभी मुझे प्रेजेंटेशन भी बनानी थी और लैपटॉप की बैटरी भी डेड होने वाली है, अब क्या होगा? अच्छा सबर कर लिया कर मानो, हर वक्त ना चीखे मारा कर। अरे भाई पड़ोस में तो बत्ती आ रही है, हमारी क्यों चली गई? इसलिए अब्बा जी, क्योंकि हमारी किस्मत में ना हनेरे लिखे हुए। आपको ऐसे पता चला पड़ोस का? अरे बहरे थोड़ी हैं, आवाज आ रही है पानी की मोटर चलने की, तुम भी सुन लो। मैं जरा देख के आती हूँ। मैं भी देखता हूँ क्या देखने जा रही है। Thank you.
हाँ कान खोल के सुन ले गौहर, सामान की जो लिस्ट भेजी है ना, एक घंटे के अंदर चाहिए। अरे हाँ जानता हूँ तू सर्वेंट नहीं है मेरा, लेकिन बेटा ये लिस्ट मेरे पड़ोस से आई होती ना तो सर के बल जाता मार्केट, इसलिए बकवास बाद में आके करना। बाय। अब मियां जल्दी आए ना, मेरी बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है, टाइम निकला जा रहा है। अरे भाई आ रहा हूँ, कोई लाइन मैन थोड़ी हूँ, देखता हूँ मैं। जल्दी करें। एक सेकंड ठहरो। मुझे लगता है फ्यूज उड़ गया। एक सेकंड क्या? यहाँ तो बड़ा कुछ उड़ाया गया है भाई। कर गया वार वो नेवला। कौन नेवला? आपका पोता और कौन? नहीं नहीं अरे उससे क्या बड़ी अस्सी क्यों करेगा वाला, ये घटिया हरकत उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। की बात है जी, देखता हूँ मैं, लेके आता हूँ उसको, पूछता हूँ उसकी हिम्मत कैसे हुई है। अच्छी तरह से सर कुचल कर आएगा उस नेवले का।